फ्लैशबैक। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? ठीक हो? फिर से आ गई एक फ्रेश और न्यू ब्लॉग के साथ। आज मैं बच्चे को टिफिन में रोटी और आलू का सब्जी दिया हूँ, और रोटी में मैं थोड़ा सा घी भी दे देती हूँ कभी कभार, क्योंकि जिस दिन ऐसा वैसा सब्जी हो तो कहती है मम्मी मुझे आज घी दे देना, इसीलिए मैं घी मतलब रोटी के साथ घी दे दिया। और उसके बाद जो है सुबह सुबह मुझे बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, और क्योंकि हस्बैंड लंच लेके जाता है इसलिए जो लंच है वो भी सुबह को मुझे बनाना पड़ता है। और आज मैं बना रही हूँ गोभी और झींगा के साथ मतलब सब्जी बना रही हूँ, गोभी और झींगा का सब्जी। और देख ही रही हो मैं सुबह सुबह सब्जी बना रही हूँ और इसके साथ घर का सारे काम भी कर रहा हूँ। हम दोनों बहन मिलके अभी शाम को दिवाली का शॉपिंग करने जा रही हूँ, और आगे मैं दिखाती हूँ। इतना भीड़ है रास्ते में, देखो कितना भीड़ है रास्ते में। उस दिन हम वहाँ से गए थे और आज अंदर जा रही हूँ बाजार के अंदर, और इतना भीड़ है। और जो दिवाली का सामान है और जो भी है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके देखती हूँ, दिखाती हूँ। यहाँ पे दिया जो हमारे यहाँ पे हर बृहस्पतिवार को बाजार लगता है, और जिसका जिसका जो फेस्टिवल आता है वो सारे सामान मिलता है। वैसे फेस्टिवल का भी छोड़ो तो मतलब हर हफ्ते में यहाँ पे ऐसे मेला सा लगता है, और दिवाली का आखिरी बृहस्पतिवार है इसलिए आज बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे ना बहुत मतलब अब जो मतलब जो चाहती हो, जो भी सामान लेना चाहती हो, हर चीज़ हर तरीके से यहाँ पे मिल जाता है। मतलब पूरा इतना बड़ा बाजार है यहाँ पे, और देख के लगेगा जैसे मेला है, मेला लगी हुई है। और जो दिवाली का जो सामान इतना अच्छे अच्छा मिल रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मतलब पूरा बाजार ही घर मतलब घर पे लेके चला जाऊँ, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और दुकान में आप जब जाओगे दिवाली का शॉपिंग करने, जो घर का जो मतलब सजाने के लिए रंगोली दिया वगैरह जो भी मतलब लेने जाओगे ना दुकान में, ऐसे जो सामने रहेंगे दो चार वो दिखाएंगे, मतलब अच्छा अच्छा नहीं दिखाएंगे। और आप खुद जब ऐसे बाजार में जाओ, जाके मनपसंद मतलब देख के लो, मतलब वही अच्छा है, मुझे तो वही अच्छा लगता है दुकान से ज़्यादा, इसलिए मैं तो मतलब ज़्यादातर बाजार से ही लेके आती हूँ। आप देख ही रही हो कितना अच्छा अच्छा मिल रहा था यहाँ पे, है ना, इसीलिए। वैसे आप लोग सब कमेंट करके हमें बताओ आप लोगों को ये बाजार लग रहा है या मेला लग रहा है, ठीक है। हर बार वीडियो देखो हमारे दीदी से तो फुचका खे ही जाते। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। मैं बाजार से आ गई हूँ, और क्या क्या मैं लेके आया हूँ मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और मेरी हालत देखो क्या हो रहा है, बाजार में इतना भीड़ है, भीड़ इतना भीड़, और रास्ते में। और मेरी बहन अभी घर चला जाएंगे और सैन दे के आएंगे, और संदीप इधर बैठा है। वैसे दोनों का तो तबीयत खराब है, दोनों का सर्दी हो गया कुछ देर के बाद। चलिए मैं बाजार से क्या क्या लेके आया हूँ दिवाली का जो शॉपिंग मैं आप सबको दिखाती हूँ। पहले तो मैंने लिया है लक्ष्मी का पैर, देखो पहले लिया है, फिर उसके बाद लिया हूँ शुभ दीपावली तीन, तीन लिया हूँ। फिर गेट पे लगाने के लिए दरवाजे में, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या बंदर, क्या क्या बोला था मैं भूल गई, ये वाला लिया हूँ। और उसके बाद दरवाजे के साइड में जो टंगाती है ऐसे गेट के,
ऐसा वाला लिया हूँ और ऐसा वाला। दिया दिवाली में दिया का बिना कुछ भी नहीं है। और एक बड़ा वाला दिया लिया हूँ, ठीक है। ये वाला दिया कैसा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है देखो। और रंगली लिया हूँ वो भी कागज का, मुझे देना नहीं आती है। और क्या लेके आया हूँ, और एक बैग लिया हूँ। वीडियो में कैसा लग रहा है कलर और सामने वाला कलर है, बैग मेरा कैसा है कमेंट करके बताइए। और एक मिनी बैग लिया हूँ, मिनी बैग। और क्या लेके आया हूँ, एक शर्ट और पैंट है। ये मेरी बहन के बेटे के लिए है, बेटा उनके लिए है जिसको मैं कोची बोलती हूँ उसके लिए है। और नेल पॉलिश, लिपस्टिक है, फिर भी ले लिया अच्छा लगा। और फिर ये वाला एक पैंट लिया हूँ, ऐसा वाला। और ये वाला एक गाउन लिया हूँ, गाउन कैसा है ऐसा कैसा। कैसा हुआ है कमेंट कर। बस यही लेके आया हूँ और कुछ लेके नहीं आया। और भी जो बाकी है सामान वो तो धनतेरस के दिन या छोटी वाली जो दिवाली है उस दिन ही लेके आऊँगी सारे सामान जो जो अभी बाकी है। आज का तो मैं यही लेके आया हूँ, जो सारे मैं लेके आया हूँ सब कैसा है कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं अभी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ और जो रात का जो खाना है मैं सारे तैयारी करके रख दिया। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ जल्दी से प्लीज़ खाना बना दो, और मैं तब तक थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ। और मैं दिखाती हूँ मेरा हस्बैंड खाना बनाएगी, देखो वाह क्या सीन है, देखो कितना अच्छा है मेरा हस्बैंड खाना बना रही है। मैंने एक बार बोला खाना बना दो, कह रही है ठीक है मैं बना देती हूँ, तो बना रही है। क्या बना रही हो, क्या बना रही हो बोलो। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की ने मच्छी का सब्जी झींगा थी क्या बनाऊ। चलिए वीडियो को ज्यादा मैं बड़ा नहीं करूँगी, और आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं कर रही हो, आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।